Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. आज पल अकेडमी के 25 साल हो गया, किस तरह से सेलिब्रेशन मनाते हैं? जैसे कि आपने सुना देखा, पल अकेडमी को वर्क करते हुए 25 ईयर्स हो चुके हैं. हम लोग इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोग पायोनियर थे इस फील्ड में और पायोनियर हैं अभी भी. बहुत सारे कोर्सेज हैं अब, कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है, मीडिया एंड जर्नलिज्म का नया स्कूल हमने खोला है और क्रिएटिव बिजनेस के बहुत सारे कोर्सेज हैं. जो ये आज इवेंट हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि जब आप क्रिएटिविटी वाले कोर्सेज करते हैं तो आप किस तरीके का काम करते हैं, आपको किस तरीके की जॉब्स मिलती हैं. बहुत सारे इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो लोग उन्हें बताएंगे कि डिज़ाइन करियर कैसा रहता है और डिज़ाइन अगर आपको चूज़ करना है तो उसके क्या मापदंड होने चाहिए और उसमें आपका फ्यूचर क्या है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स अपने हाथ से कुछ काम करके देखेंगे जो कि उन्होंने वर्कशॉप्स में किया और प्लस वो साथ में इंडस्ट्री से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं. आपने देखा होगा यहाँ पर दो फैशन शोज हैं, एक जो स्टूडेंट्स ने अपना काम बनाया था जिसमें उन्होंने ज्वेलरी भी बनाई और कपड़े भी बनाए, वो पहन के मॉडल्स ने वॉक किया. जो मॉडल्स हैं वो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और एक शाम को भी फैशन शो है जो कि स्टूडेंट्स का ही वर्क हम डिस्प्ले कर रहे हैं. कुछ स्कूल के भी स्टूडेंट आए थे, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे, तकरीबन 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. अलग अलग वर्कशॉप्स में तकरीबन 7-8 वर्कशॉप्स चली हैं, अलग अलग तरीके की. कुछ कम्युनिकेशन डिज़ाइन से रिलेटेड थी, कुछ इंटीरियर से रिलेटेड थी, कुछ बिजनेस से रिलेटेड वर्कशॉप्स थी और कुछ नॉर्मल जो पेंटिंग वगैरह रहता है, क्रिएटिविटी, उससे रिलेटेड वर्कशॉप्स थी. और स्कूल प्रिंसिपल्स भी आए हैं अभी यहाँ पे यही स्टूडेंट्स का वर्क देखने, अपना और प्लस हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने जो काम किया है उसको देखने आए हुए हैं. और टीचर्स भी थे तकरीबन यहाँ पे 50 डिफरेंट स्कूल्स के. यार डू दैट, कम ऑन, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बच्चे ने अभिषेक दो यार. मैम थोड़ा साथ जाएंगे, अरुण को रुका के रखो. भैया प्लीज मुझे मेरे ऑफिस में रखने के लिए मैम का आवाज बना दो ना, मैं तो यहीं की हूँ, फैकल्टी हूँ मैं यहाँ पे. यहीं की हूँ. अरे नहीं नहीं नहीं, हमको जाना है वापस नोएडा, नोएडा बोल रहे हैं. Yeah.